ये पिताजी इनके इतनी फिक्र कर रहे थे, इन्होंने मुझे, क्योंकि बच्चे गए हुए थे सुबह 8:30 के और 4 बज गए थे इनको आते आते, इन्होंने मुझे 3 बजे से, मुझे 2:30 बजे से फ़ोन करना शुरू कर दिया, जाओ स्कूल जाओ, क्योंकि स्कूल वालों ने 3 बजे का टाइम दिया हुआ था। ये पिकनिक मना रहे थे और इनकी मम्मी ये सोच रही थी। गाइस, आज हम खड़े हुए हैं हमारे ऑफिस की टेरेस पे और बहुत ऊंचाई पे है, नीचे का माहौल देखने में बड़ा मजा आता है, सामने बड़ी हरियाली ग्रीनरी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो सॉलिड ऊंचाई है भाई, आपने देखा ना पोल्यूशन भी दिल्ली में अब कम हो गया है, पहले से हवा थोड़ी चलने लगी है, इस चक्कर में पोल्यूशन गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कंस्ट्रक्शन भी जो है यहाँ पर रोक दिया गया था, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन रहा कि पोल्यूशन को जो है कंट्रोल कर पाया। ठीक है, तो अभी यही चल रहा है दिल्ली का। तो आज तक भैया बोल रहा है कि उसको नहीं भेजना, वो खो जाएगा। दादी भी बोली है, जाएगी नहीं है? मैं तो जाऊंगा। जाएगा? ये तो भैया कह रहा नहीं जाएगा, दादी भी बोली। अरे तो नहीं खोएगा वो, खो जाएगा। नहीं खोएगा, खो जाएगा, नहीं खोएगा। मेरी मर्जी से कोई नहीं जाएगा। तेरी मर्जी से कोई नहीं जाएगा। आज तेरे को क्या करना है बेटा? मैं तो आराम से जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। और ये तेरा भैया बोल रहा है नहीं जाएगा। तू मैं जाना तो जाऊंगा। अच्छा, ये जान दे जा। अच्छा, वो जाना चाह रहा है तो उसको जाने दे ना, तेरे को नहीं जाना तो तू मत जा। नहीं जाएगा। तू मत जा। बात आयु गंदी बात मत करो। नहीं जाएगा। जान देना, तेरे कौन सी आफत आ रही है? सो गुड मॉर्निंग गाइस, अब हो रहा है अगला दिन और बस मैं लक्ष्य और आयु को हम स्कूल छोड़कर ही आए थे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आयु तो पिकनिक के लिए बोल रहा था और लक्ष्य मना कर रहा था, लेकिन अगले ही दिन मतलब सुबह आज तो बोलने लगा, नहीं मम्मा मुझे भी पिकनिक पे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो फिर मैंने फटाफट से उसकी फीस समेट कर आई पिकनिक की और फिर दोनों ही खुशी खुशी स्कूल चले गए। और यहाँ से बस मैं स्कूल मैंने हमने छोड़ा उसको और यहाँ से वो अब थोड़ी बहुत देर में पिकनिक के लिए निकल जाएंगे। और मना तो कर रहा था और लेकिन फिर बाद में राजी हो गया लक्ष्य, नहीं मुझे भी जाना है। तो फाइनली दोनों गए हैं और जाना भी चाहिए, थोड़ा एंजॉय बच्चे का होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे पिकनिक पे हम भी जाते थे। तो मुझे अच्छा लगा लेकिन थोड़ा सा डर भी है, अजीब सा लग रहा था कि पहली बार बच्चों को ऐसे मैंने भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मेरे बच्चे चले गए आज पिकनिक पे और फर्स्ट टाइम गए हैं दोनों, तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, मतलब अंदर एक खुशी सी भी हो रही है कि हाँ चलो अकेले कहीं घूमने गए हैं, मतलब टीचर्स वगैरह है लेकिन फिर भी पेरेंट्स के बिना गए हैं।
और थोड़ा सा अंदर से अजीब सा डर भी है, पता नहीं क्यों, तो अजीब लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं वो उनको कैसा लग रहा होगा वहाँ पे, तो मुझे आके बताएंगे और मैं आप सबको भी दिखाऊंगी कि उनको कैसा लगा, ठीक है। और आज के मैं शॉर्ट आउट दे देती हूँ, एक है रुस्तम अली, तो हेलो। एक है रवि प्रजापति, हेलो। सैमिदुल खान, हेलो। प्रशांत कुमार जी, हाय। एंड राजू गुर्जर, हेलो। तो आज के शॉर्ट आउट दे दिए मैंने, तो आप सब भी जितने लोग हैं तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और जिन जिनको शॉर्ट आउट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। एक छोटी सी गुड़िया है, तो उनका एक चैनल है, चैनल का नाम मैं बता देती हूँ, कनेक्ट योर आर्ट वर्ल्ड विद नविता। तो इनका लिंक जो है मैं पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हैं। आर्ट जो होती है बच्चों की, जैसे आप आर्ट बनाते हैं मतलब ड्राइंग टाइप में, ये सब वो करती हैं, तो प्लीज़ एक बार चेक जरूर करना और इन्हें भी सपोर्ट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी लक्षायु को लेने स्कूल से, अब इनकी पिकनिक की बस आ गई थी, लगभग 3:30 का टाइम हो रहा था यहाँ पे। और वैसे तो वो बच्चे स्कूल से ही देते हैं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाने के लिए जहाँ बस रुकनी थी मैं वहाँ आ गई थी, और काफ़ी पेरेंट्स आ गए थे, तो बस मैं अब यही देख रही थी कब लक्षायु निकलेंगे, कब लक्षायु निकलेंगे। तो बस बच्चे निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, बच्चों की थकान इतनी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बस में मेरे बच्चे थे ही नहीं, जो दूसरी बस थी उसमें बच्चे थे। तो यहाँ पर अब टीचर्स बच्चों को लाना शुरू कर दिया है, और सारी टीचर्स हिप हिप हुर्रे के नारे लगवाती हुई आ रही थी बच्चों से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बच्चे भी चाहे थके हुए थे लेकिन हिप हिप हुर्रे का नारे लगाते हुए नहीं थक रहे थे, ये देखो। तो बच्चों के साथ साथ ना टीचर्स भी बहुत खुश लग रही थी, और मैं यहाँ पे आयु को ढूंढ रही थी, और ये दिख गया मेरा, मुझे आयु, ये रहा आयु पूरे का नारे लगाते हुए, देखा 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 चला गया। और यहाँ पर आएगा मेरा लक्ष्य, मैं अब आयु तो स्कूल में चला गया था, अब मैं लक्ष्य का वेट कर रही थी, तो दूसरी लाइन में आ रहा था मेरा लक्ष्य, तो लक्ष्य कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दिखा दिखा दिखा, और मैं उसको ऐसे ही ढूंढ रही थी जैसे मैं अब ढूंढ रही हूँ। काय 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 कर रही थी मैं। और ये रहा दिख गया, ये रहा मेरा लक्ष्य, हाय कर रहा है, इतने मुझे देख लिया था वहाँ पे, तो बस। हाँ जी, आज कहाँ गए थे आप दोनों? पिकनिक गए थे। कैसा लगा? है प्ले बॉक्स, ये कहाँ पर है? नोएडा है। कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा। मजे आए? फिर जाना दोबारा? हैं? लाओ पैसे। पैसे दो। लाओ पैसे, दोबारा जाना। दो पैसे। पैसे दो, ये चॉकलेट में बस इतना सस्ता? ये चॉकलेट 1000 रुपए की तो है। 1000 रुपए की है? हाँ। जा बेटा इसको बेचिए जा करके, फिर मैं तेरे को ऐसे 10 दिलाऊंगा। फिर? और इनको बिल्कुल भी ना कोई थकावट ना कुछ, इन्होंने पूरा एंजॉय किया, और ये तो कह रहे थे मम्मी मैं तो बस में सोता हुआ आया था। थक गया था ये, और इसने ही पूरा एंजॉय किया है। लक्ष्यू ये बल्कि इसका थोड़ा सा मन ऐसा था 50-50 वाला मन था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन इसका बाद में बड़ा अच्छा लगा इसको, है। वीडियो में कुछ और दिखाया था बढ़िया वीडियो से भी अच्छा। चलो थोड़ा सा कैमरे से पीछे हो जाओ, तुम्हारा मत्था इतना कैमरे पे घुस गया है। इतनी बड़ी स्लाइड थी ऐसी। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, और तुम? ये पिताजी इनके इतनी फिकर कर रहे थे, इन्होंने मुझे, क्योंकि बच्चे गए हुए थे सुबह 8:30 के, और 4 बज गए थे इनको आते आते, इन्होंने मुझे 3 बजे से, मुझे 2:30 बजे से फ़ोन करना शुरू कर दिया, जा स्कूल जा, क्योंकि स्कूल वालों ने 3 बजे का टाइम दिया हुआ था। ये पिकनिक मना रहे थे और इनकी मम्मी ये सोच रही थी कब आएंगे। टाइम आने में लग गया।
टाइम आने में लग गया क्योंकि जाम था, तो 3 बजे का टाइम। ये थोड़े से पीदरे से हैं, छोटे छोटे से हैं, तो इनको बेचने में थोड़ा सा भी डर लगता है। नहीं, थोड़े बड़े बड़े सो जाएंगे तो फिर तो दिल पे पत्थर रख के खूब घुमाओ, क्योंकि बच्चों पे हम हमारी केयर जो है वो एक बोझ के रूप में नहीं डाल सकते, उसका भी जीवन है, उसको भी एंजॉय करना बनता है। मम्मा एक बात बताऊं? हाँ पीछे के बताओ। इतनी देर हो गई मैम को आए हुए, फिर भी इसने झूले नहीं झूलने दी मुझे कि छुट्टी होने वाली है, और छुट्टी होने में इतनी देर हो गई। अच्छा, जब जाने वाले नहीं तो पहले तुझे पता नहीं वो तेरी कितनी केयर करता है, वो तुझे अपने पास से हिलने भी नहीं देता। फिर तो कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ये ब्लॉग? प्लीज बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय।